हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है वो विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। व्हाट हैपन इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, हाउ कैन इट इफेक्ट बी क्योर्ड। अब देखो, बोला गया कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगर उस एसिड की मात्रा बढ़ जाए हमारे पेट में तो क्या होगा, एंड तीसरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो देखो, हमारे जो स्टमक में होता है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं आवर स्टमक आवर स्टमक प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब अगर ये ज्यादा हो जाए, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, इट कॉज इनडाइजेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे तरीके से फूड, विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। इसके वजह से हम लोग को क्या होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक, कॉज इट कॉज इनडाइजेशन इनडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। ओके, अगर इसका अगर ज्यादा मात्रा हो जाएगा तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा, ये सभी इससे हो सकते हैं। अब हाउ कैन इट इफेक्ट बी क्योर्ड, अब इसके इफेक्ट को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं इससे। तो देखो क्या है कि हमारे पेट में क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या आ सकता है, बेस आ सकता है। तो बेस से बनी कोई दवाई खा सकते हैं, जिसको हम लोग जनरली एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। गैस भी बन सकता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इंडाइजेशन होता है, गैस बन जाती है, तो हम लोग इनो पाउडर पीते हैं। तो इनो पाउडर क्या होता है, एक तरह का बेस होता है जो कि हमारे पेट में जाकर रिएक्ट करता है और एसिड को न्यूट्रल करता है, ठीक है। तो हम लोग इनो पी सकते हैं या कोई भी एंटासिड खा सकते हैं। जनरली ऐसी दवाई को एंटासिड बोलते हैं जिसमें कि एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेस डाला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटासिड, इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटासिड। ओके, तो इस तरह से ये हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।